देश के बजट के बाद अपने घर और रसोई का बजट भी ठीक करने के लिए आइए शक्ति कैंटीन स्टोर यूनियन बैंक के सामने कुंड रोड बहरोड। हमारे यहाँ एक ही छत के नीचे मिलता है हर एक वो सामान जो है आपकी जरूरत का, और वो भी 50% की छूट तक। तो अब देर किस बात की, चले आइए शक्ति कैंटीन, आपको सिर्फ बचत ही नहीं महा बचत होगी। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना, शिक्षा स्वास्थ्य समाज सेवा स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म करने और रिश्वतखोरों को पकड़वाने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था और इस बात के प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए के विज्ञापन न्यूज चैनल पर भी चल रहे हैं। पर इससे कहीं दो कदम आगे बहरोड विधायक बलजीत यादव निकले। उन्होंने रिश्वतखोरों को पकड़वाने के लिए व्हाट्सएप नंबर तो जारी किया ही, पर उससे भी बड़ा काम किया, भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देकर सम्मान भी करना है। विधायक की यह मुहिम रंग भी लाई। हम आपको पूरा वाकया बताएं, उससे पहले यह जान लेते हैं कि एसीबी की इस कार्यवाही के दौरान बसई सरपंच पति और पूर्व सरपंच ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। पकड़े जाने के बाद भी चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसी ऐसे बयान कर रही थी मानो उसने ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता हो। अब आप गौर से देखिए, हुआ यूं कि बसई सरपंच प्रतिनिधि कृष्ण कुमार मीणा गांव की भोली भाली जनता से पट्टे बनाने के नाम पर मोटी रकम के सौदेबाजी कर रहे थे, पर गोगड़िया के इंद्र यादव ने हिम्मत दिखाई और शिकायत पर एसीबी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कृष्ण कुमार को हिरासत में ले लिया। वहीं इस घटनाक्रम पर बहरोड विधायक बलजीत यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंद्र यादव को 51,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित भी किया। पत्रकार वार्ता के दौरान और क्या कहा विधायक ने, आप भी देखिए। और उसका इलाज कराएंगे भ्रष्टाचारी का, और ऊपर से आपको 51,000 रुपए से पुरस्कृत तौर करेंगे। हम इस कड़ी के अंदर जो हमारे इंद्र जी हैं जो गुगड़िया गांव के निवासी, इन्होंने मेरे को आके बताया कि सरपंच और उनका हस्बैंड है, सरपंच पति जो सारा काम वही करता है, मीनाक्षी का हस्बैंड है कृष्ण कुमार बसी सरपंच, वो मेरे पट्टे को बनाने के लिए 20,000 रुपए में सौदा तय हुआ है। पहले तो ज्यादा मांग रहा था, कभी 50 मांग रहा, 30 मांग रहा, 25 मांग रहा करके कि मुझे इतने पैसे दो, लेकिन डर रहता है व्यक्ति के मन में कि कहीं मेरा बुरा ना कर दे। गांव के भी जो साथी थे इनके एक दो, वो भी मेरे पास लेकर के आए। मैंने इनको आश्वस्त किया कि आपको रिश्वत की राशि भी वापस मिलेगी, वो जो सरपंच पति है पैसे मांग रहा है उसको जेल भिजवाएंगे, और आपको 51,000 रुपया से समाज हमारे बैरोड का, हम सब लोग आपको सम्मानित तौर करेंगे और आपका काम करवाएंगे। आप बिल्कुल भी ना डरें और एसीबी के अंदर कंप्लेंट करें। इनको पूरी प्रक्रिया समझा दी गई, इनके साथ हमने हमारे साथी को भेजा और उसका परिणाम रहा कि कल बसई जो सरपंच पति है कृष्ण कुमार वो गिरफ्तार हो गया है, मीनाक्षी जो सरपंच है वो फरार है घर से, और भी जो कोई इन्वॉल्व है उसके अंदर कुछ लोग फरार हो गए, तो जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। इसलिए जो हमने वादा किया है उसके मुताबिक आज इंद्र जी को बुलाया हमारे इस पंचायत समिति बहरोड के सभागार में, हम उनको 51,000 रुपए का पुरस्कार दे करके और उनको सम्मानित करेंगे। और भी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जागरूक होकर चाहे कोई 100 रुपए भी रिश्वत मांगे, आप मोबाइल से छुपाकर चाहे ऑडियो या वीडियो उसका रिकॉर्डिंग कर लें, हमने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप पे हमें भेज दें, और ऑडियो वीडियो भी नहीं बन पा रहा, कोई और कारण हो रहा है, कोई ज्यादा साथी रहे तो उसके लिए भी मुझसे मिलें,
हम आपका काम करवाएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। हमारी कोशिश है, हमारे बहरोड की जनता ने, 36 कौम की जनता ने संकल्प लिया है कि बहरोड को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस तरह गंगा क्लॉथ एम्पोरियम बहरोड का एकमात्र उचित रेट वाला विश्वसनीय शोरूम। लहंगा चुन्नी, फैंसी साड़ियाँ, डिजाइनर सूट, फ्रॉक सूट, क्रॉप टॉप, कुर्ती, लेगी, दुपट्टा, कोट पैंट, फैब्रिक्स के अलावा सियाराम, रेमंड, विमल की शूटिंग शर्टिंग सभी एक छत के नीचे। पैसा नहीं, विश्वास ही हमारी कमाई। गंगा क्लॉथ एम्पोरियम, नया बस स्टैंड बहरोड, प्रोप्राइटर ब्रज किशोर शर्मा, जागवास वाले। बहरोड में जीण माता और हनुमान जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। जीण माता से अखंड ज्योत आज बहरोड पहुंची और मूर्ति पूजन किया गया। वहीं 8 अप्रैल को कलश यात्रा और मूर्ति नगर भ्रमण होगा। वहीं 9 अप्रैल को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें RAT 24। नमस्कार। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड। प्रिय अभिभावक बंधुओं, आप अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास एवं उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु आज ही नामांकन करवाएं आपके अपने विद्यालय कमला पब्लिक स्कूल में। सुपर फैकल्टी, सुपर रिजल्ट, KPS साइंस क्लासेस, हिंदी इंग्लिश मीडियम, प्ले टू 12th साइंस एंड कॉमर्स, 11वीं और 12वीं हिंदी मीडियम, आधुनिक क्लासरूम, CCTV कैमरों से युक्त कंप्यूटर रूम, केमिस्ट्री बायोलैब और साथ ही लाइब्रेरी सुविधा, ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड।